आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube के इस ऑफिशियल चैनल योर्स टीचर में। और आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है CM ऑफ झारखंड। तो देखिए, इसमें सीरीज का क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब झारखंड से जुड़े हुए जो एग्जामिनेशंस होते हैं, PCS होते हैं, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या आपका कौन इनमें से बने हैं, इस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से करेंगे, ठीक है। मैंने क्या किया है कि सबसे पहले जितने भी आपके झारखंड में CM बने हैं उसका मैंने लिख दिया है, बगल में मैंने डेट को भी लिख दिया है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिएगा, कॉपी और पेन दोनों लेके साथ में बैठिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, ठीक है। देखिए, मतलब झारखंड में जो CM बने हैं, सबसे पहले बने हैं बाबूलाल मरांडी, दूसरा अर्जुन मुंडा, तीसरा शिबू सोरेन, चौथा अर्जुन मुंडा, पांचवा मधु कोड़ा, छठा शिबू सोरेन, फिर राष्ट्रपति शासन, सातवां शिबू सोरेन, फिर राष्ट्रपति शासन, आठवां अर्जुन मुंडा, फिर राष्ट्रपति शासन, नौवां हेमंत सोरेन और दसवें रघुवर दास जी। और प्रेजेंट में अभी आप लोगों को पता है हेमंत सोरेन जी बने हैं, क्योंकि झारखंड में अभी अभी रिसेंटली विधानसभा का चुनाव हुआ है। तो अभी झारखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, हेमंत सोरेन जी हैं। अब देखिए, हम लोग इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं, प्रॉब्लम यहीं पे होता है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखा है कि बस से चलो, एम्स हॉस्पिटल दिल्ली शहर में है। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिख दिया है BAS, बस हो गया, ठीक है। यानी B4 हो गया बाबूलाल, B4 क्या हो गया, बाबूलाल। तो ये हम लोग का B हो गया, ठीक है। फिर हम लोग का दूसरा, यानी झारखंड के दूसरे CM कौन हो गया, A से अर्जुन मुंडा। तो देखिए यहां पर A से अर्जुन मुंडा। अब तीसरे CM कौन बन गए, शिबू सोरेन। तो देखिए यहां पर S से शिबू सोरेन। तो हम लोग का ये तीन कंप्लीट हो गया, पहला B से बाबूलाल, दूसरा A से अर्जुन मुंडा, तीसरा S से शिबू सोरेन। तो BAS बस कंप्लीट। अब देखिए, हम लोग का AMS दिया गया है। अब देखिए, A4 हो गया अर्जुन मुंडा, यानी चौथे CM, M4 हो गया मधु कोड़ा, यानी पांचवे CM, S4 हो गया शिबू सोरेन, यानी छठवे CM, यानी AMS, M's हम लोग का यहां पर कंप्लीट हो गया। अब देखिए, शिबू सोरेन जी के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ झारखंड में, फिर से शिबू सोरेन जी आए, यानी ये S हम लोग का S, तो S4 क्या हो गया, शिबू सोरेन, यानी सातवें CM झारखंड के। फिर झारखंड में संजोगवश राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, फिर आठवें CM के रूप में अर्जुन मुंडा जी आ गए हैं, यानी ये A से क्या हो गया, अर्जुन मुंडा। फिर ऐसा कुछ हुआ जिसके चलते झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, फिर नौवें CM यानी H से क्या हो गया, हेमंत सोरेन जी। और दसवें CM कौन बन गए, तो रघुवर दास जी, यानी ये R4 क्या हो गया, रघुवर दास। तो देखिए, हम लोग यहां से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। क्या है दिया गया है, बस से चलो, एम्स हॉस्पिटल दिल्ली शहर में है, जहां पे B4 बाबूलाल पहला CM, A4 अर्जुन मुंडा दूसरा CM, S4 शिबू सोरेन यानी तीसरा CM, A से अर्जुन मुंडा यानी चौथा CM, M से मधु कोड़ा यानी पांचवा CM, S से शिबू सोरेन यानी छठवा CM, S से फिर शिबू सोरेन यानी सातवा CM, A से अर्जुन मुंडा यानी आठवा CM, H से हेमंत सोरेन यानी नौवे CM और R से रघुवर दास यानी दसवें CM। आप इसका एक बार बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है
कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और चलते चलते मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ये हमारे जो इस बोर्ड पे लिखा हुआ जो कंटेंट है इसका आप पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया गया है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं एक बार बोलना चाहूंगा कि प्लीज 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 अगर हमारी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए। खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन, चार जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है।